सो गाइस, क्या आपके भी जीबी व्हाट्सएप में ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है? यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉग इन। तो इस वाले प्रॉब्लम को आप हमेशा हमेशा के लिए कैसे ठीक कर सकते हो, आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये वाला प्रॉब्लम आपको देखने को मिला है तो आपको क्या करना होगा, और ये वाला प्रॉब्लम आपको देखने को मिला है ये वाला अनऑफिशियल ऐप वाला तो आपको क्या करना होगा, और यहाँ पे ये वाला आपको प्रॉब्लम देखने को मिला है तो आपको क्या करना होगा। यहाँ पे स्विच टू व्हाट्सएप नो वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आपको क्या करना होगा, और ये वाला ऑप्शन दिख रहा है तो आपको क्या करना होगा, और यहाँ पे यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉग इन वाला प्रॉब्लम दिख रहा होगा तो आपको क्या करना होगा। तो आज की इस वीडियो को डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या करना है और कैसे ये वाला प्रॉब्लम ठीक होगा। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, मैं बताऊंगा। बट उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट कर ले, तो आपको सिखाते हैं कि इस वाले प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं, लाइव प्रूफ आपके सामने ठीक करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपने मोबाइल का होम स्क्रीन के ऊपर आ जाना। होम स्क्रीन के ऊपर आप आने के बाद आप जीबी व्हाट्सएप को जैसे ही ओपन करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉग इन, और ऊपर साइड यहाँ पे आप देखते हो जीबी व्हाट्सएप प्रो 2070.70, यानी कि आपका नंबर जो है बैन कर दिया गया है और आप अब जो है जीबी व्हाट्सएप को नहीं चला सकते हो। तो आज किस वीडियो के अंदर आप डिटेल्स में बताऊंगा कैसे आप जीबी व्हाट्सएप को चला सकते हो और ये वाला प्रॉब्लम को कैसे यहाँ से हटा सकते हो, यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉग इन को। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के होम स्क्रीन के ऊपर आना है, एंड आपको सबसे पहले लगे अपने प्ले स्टोर पर यहाँ से कर लेना है ओपन। ओपन आप जैसे करोगे यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स दिखेगा, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है व्हाट्सअप, यहाँ पे बिजनेस आपको सर्च कर लेना है व्हाट्सअप बिजनेस। आप सर्च कर दोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आप व्हाट्सअप भी सर्च कर सकते हो या तो व्हाट्सअप बिजनेस भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ से व्हाट्सअप बिजनेस को यहाँ से क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरा डाउनलोड है ऑलरेडी, तो मेरा अपडेट मांग रहे हैं तो यहाँ से आपको अपडेट दे देना है। अपडेट मांग रहे तो डाउनलोड मांग रहे तो आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दो तरीके बताऊंगा कैसे आपको ठीक होगा प्रॉब्लम, तो आपको डाउनलोड कर लेना एंड आपको अपने बिजनेस व्हाट्सअप को यहाँ से ओपन कर लेना। ओपन आप जैसे करोगे यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, आपको इस एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक यहाँ से कर देना है। आप इस पर जैसे क्लिक कर दोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आप का जो है जिस नंबर से जीबी व्हाट्सअप चल रहा था वही नंबर आपको क्या करना है यहाँ से डाल देना है। आप जैसे डालोगे डाल कर आपको क्या करना है, इस बिजनेस व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट बना लेना है उसी नंबर से, और जो है चैट बैकअप एंड रिस्टोर सब कुछ ले लेना है इसी वाले व्हाट्सएप के अंदर आ जाएगा आसानी से गाइस, तो आप ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये वाला प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि अभी भी मैं जो है जीबी व्हाट्सएप पे चलाऊँ, कोई अदर व्हाट्सएप नहीं चलाऊँ, जैसे कि व्हाट्सएप नहीं चलाऊँ, बिजनेस व्हाट्सएप नहीं चलाऊँ, आप ओनली सिर्फ जीबी व्हाट्सएप ही चलाऊँ, तो वो आप कैसे जो है ये जो आप ऐप्स को हटा सकते हो और यही वाला जीबी व्हाट्सएप आप फिर से कैसे चला सकते हो, तो बताऊंगा। सबसे पहले दो तरीका है गाइस, ये वाला तरीका आपका काम नहीं करता है तो आपको क्या करना होगा, जीबी व्हाट्सएप चलाना चाहते हो और बिजनेस और नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, जीबी व्हाट्सएप चलाने के लिए सिंपली आपको आ जाना है क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स दिखे, आपको क्या क्या सर्च करना है, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है व्हाट्सअप, जैसे कि अभी आपको बताता हूँ व्हाट्सअप सपोर्ट, यहाँ से आपको सर्च कर लेना है व्हाट्सअप सपोर्ट। आप जैसे सर्च करोगे कुछ इस तरीके से ये वाला जो है वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप, आपको कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप वाले ऑप्शन पर क्या करना है, आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस एक देखने को आपको मिलेगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, वो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देखते हो व्हाट्सअप इंडिया, व्हाट्सअप मैसेंजर, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे व्हाट्सअप बिजनेस सपोर्ट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सअप यहाँ पे मैसेंजर सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्या करना है, आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस नंबर से आपका जीबी व्हाट्सअप चला था वही वाला नंबर जो है यहाँ से आपको डाल देना है, व्हाट्सअप जो है नंबर डालना है जिस नंबर से आपका जीबी व्हाट्सअप चला था। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस डाल देना है। आपका जो भी फ़ोन में लॉगिन ईमेल है वही आपको यहाँ पे ईमेल डाल देना है दो बार। उसके बाद आपका फ़ोन जो है एंड्रॉयड है तो यहाँ पे एंड्रॉयड सेलेक्ट कर सकते हो, आईफोन है तो आईफोन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे की साइड मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपका क्या प्रॉब्लम है आप यहाँ से बता सकते हो। तो मेरा प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो देख रहे हो उस डिस्क्रिप्शन को खोलोगे तो जो है प्रॉब्लम का जो है सलूशन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं पेस्ट किया हूँ वही वाला पेस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन से आप देखकर टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको जो है 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आएगा और आपका जीबी व्हाट्सएप जो है ये वाला जो अभी आपको नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉगिन वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो हमेशा हमेशा के लिए ये वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और आपका जीबी व्हाट्सएप सक्सेसफुली चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही था गाइस दो नया ट्रिक जो है जीबी व्हाट्सएप को यूज करने का। तो वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए ट्रिक के लिए गाइस, तब तक के लिए बाय।